नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू एंड आप देख रहे हो पिंटू टेक। सो गाइस, आज की वीडियो हम सीखेंगे रेडमी के फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना। और तो और गाइस, आपका कोई भी फोन हो A to Z रेडमी का फोन, और आप उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक आसानी से लगा पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, और जैसे मैं अपना फिंगर लगा रहा हूँ यहाँ पर लॉक ओपन हो रहा है। और गाइस, ये बिल्कुल रियल वाली फीलिंग देता है। यहाँ पर बिल्कुल कोई भी बंदा सामने वाला बोल नहीं सकता कि ये फेक है और तू हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल रियल लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे मैं फिंगर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर एकदम ओरिजिनल लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको सीखना है इस प्रकार का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो गाइस, फटाफट से सीख लेते हैं। तो आपको अपने फ़ोन सेटिंग में जाना। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको एक सेटिंग करनी है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर फेस लॉक को इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फेस लॉक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पर एक पैटर्न पहले सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। पैटर्न मांगेगा पहले, तो यहाँ पर 2-4 सेकंड वेट करना है आपको। और गाइस, वीडियो को पूरा वॉच करना है, बन बाई बन में पूरा स्टेप आपको समझाऊंगा, ठीक है। गो इट पर क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पर एक न्यू पैटर्न ऐड कर देना है, ठीक है। फिर से कन्फर्म करना है, उसके बाद कन्फर्म करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फेस को स्कैन करने के लिए रेडी हो जाएगा 2-4 सेकंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देना है आपको, और यहाँ पर आपका फेस को स्कैन करेगा ये। बस गाइस, आपको इतना सा करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है, और यहाँ का काम खत्म हो गया है। और यहाँ से आपको पैक हो जाना है। आपको मैं बताऊँगा फेस लॉक क्या काम करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर आपको थीम्स वाले ऑप्शन में आना है, ओके। और यहाँ पर आने के बाद आपका ये थीम्स वाला ऐप ओपन होगा। यहाँ पर आपको सर्च बार में डालना है, यहाँ पर गाइस आपको सर्च बार में डालना है ऑक्सेरा, और आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। आप जैसे सर्च करोगे यहाँ पर एक थीम्स आपको देखने मिलती है, फर्स्ट नंबर में आप देख पा रहे हो। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे में अप्लाई का ऑप्शन मिल रखा है, मैंने अभी इसे डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। जैसे डाउनलोड होगी गाइस, आपको यहाँ पर ये 2-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तीनों को अनटिक कर देना है, और ये लॉक स्क्रीन वाले को टिक रहने देना है, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, बस इतना सा करना गाइस, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। अब गाइस, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ हमारा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लॉक को लगा दिया है एंड मैं यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक आ चुका है। जैसे यहाँ पर मैं फिंगर लगा रहा हूँ और ये ओपन हो रहा है। लेकिन गाइस, सामने वाला बंदा देख के तो चौंकेगा ही चौंकेगा, लेकिन वो इस फोन को यूज करेगा तो वो रियल में इस लॉक को ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर अपना फिंगर लगाएगा तो यहाँ पर वो फेस लॉक को भी ऊपर मांगेगा, ठीक है। तो उसके फेस लॉक को ये स्कैन नहीं करेगा, और वो सामने वाला बंदा यही समझेगा कि हाँ यार, ये रियल है और ये ओपन नहीं हो रहा है। तो गाइस, आप इससे रियल वाली फील ले सकते हो एंड सामने वाले बंदे को बेवकूफ बना सकते हो। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट भी करना, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। सो यार, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।